गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? फाइन, सब अच्छा? ठीक है, तो जैसे हमने पहले क्लास में पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था? अब हमने चैप्टर 14, डेट्स नेम इज वाटर, इन विच विल डील अबाउट वाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाटर. ठीक है, और हम किस किस पर्पज में वाटर का हम यूज करते हैं, वाटर हमारा कहाँ से आया था. ठीक है, तो वो सब हम पढ़ चुके हैं. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वाटर साइकिल के बारे में. किसके बारे में पढ़ेंगे हम? वाटर साइकिल. कि वाटर साइकिल आपकी क्या होती है? साइकिल का मतलब क्या होता है? एक ही चीज का मूवमेंट क्या होना, बार बार रिपीट होना. वाटर मतलब कि वाटर कैसे रिपीट होता है. एक वाटर आप यूज कर चुके, वो आपके पास दोबारा कैसे पहुंचता है, ये कैसे पढ़ेंगे आप? वाटर साइकिल में पढ़ेंगे. ठीक है, ये बात आप पढ़ते हो. इसमें आपको काफी तरह के प्रोसेस पढ़ने हैं, तो ये हम स्टार्ट करते हैं वाटर साइकिल. तो वाटर साइकिल पढ़ने से पहले मैं आपको दो या तीन मेथड बताती हूँ, वो साइड में हम यहाँ पे पढ़ लेंगे. फर्स्ट आपका क्या कहता है? इवोपरेशन. सेकेंड इज योर कंडेंसेशन. थर्ड इज योर इनफिल्ट्रेशन. अगर आपको ये तीन मेथड समझ में आ जाते हैं, आपको ये समझ में आ जाता है कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं, प्रिपरेशन ऑफ क्लाउड्स. तो आपको वाटर साइकिल कंप्लीट समझ में आ जाएगी. ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो कि हमारा इवोपरेशन. क्या है हमारा इवोपरेशन? तो बेटा इवोपरेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ. इसमें क्या होता है? कन्वर्जन होता है लिक्विड का, या फिर बोल सकते हो वाटर का, इनटू गैस. कि जो वाटर होता है वो गैस में कन्वर्ट होता है बाय हीटिंग. ठीक है, कंडेंसेशन में क्या होता है? कन्वर्जन होता है किसका? गैस टू लिक्विड बाय कूलिंग. ठंडे होने की वजह से जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप? कंडेंसेशन. क्या बोलते हो? कंडेंसेशन. बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है भाई ये आपके. फिर क्या आता है? इनफिल्ट्रेशन. इनफिल्ट्रेशन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. वाटर का एब्जॉर्प्शन करने के बाद जो आपका क्या बोलते हो आप, ग्राउंड वाटर का लेवल जो इंक्रीज होता है वो क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन. प्रिपरेशन ऑफ क्लाउड आप यहाँ इस टॉपिक में पढ़ना साथ साथ. बेटा इवोपरेशन की रेट होती है वो किस पे डिपेंड करती है? देखो यहाँ पे भी हमारे जैसे इवोपरेशन हो रहा है, अगर मैं यहाँ फर्श पे पानी डाल देती हूँ तो कोई पानी कुछ टाइम के बाद क्या होता है? सूख जाता है. अगर एक मैं धूप में पानी फर्श पे डालती हूँ तो वो जल्दी सूखता है एज कम्पेयर टू फ्लोर. आपके रूम के अंदर एज कम्पेयर टू रूफ. रूम में तो देर से सूखेगा आपका पानी, ड्राई होगा, और वहां पे रूफ पे जल्दी. क्यों? क्योंकि रूफ पे क्या है आपका? सन है. क्या है आपका? सन. तो सनलाइट के अंदर इवोपरेशन तेज स्पीड से होता है, फास्टली होता है, और विदाउट सनलाइट आपका इवोपरेशन क्या होता है? स्लोली होता है. क्या होता है आपका? स्लोली होता है. ये आप याद रखना. ठीक है, कोई भी चीज का एग्जाम्पल लेके रख लेना कि किसी भी चीज को आप एक रूम में सुखाते हैं और एक आप रूफ पे, तो दोनों में से पहले कौन ड्राई होती है? आपकी रूफ वाला ऑब्जेक्ट पहले ड्राई होता है. तो इट मींस वो क्या हो रहा है आपका, वहां पे इवोपरेट फास्टली हो रहा है. कि जो आपके अगर आप वाटर के क्लोथ्स ले लो, आप जैसे आप क्लोथ वॉश करते हो, ठीक है, आप उसको छत पे सुखा के आते हैं, तो क्या होता है उनका जो पानी है वो क्या होता है? एटमोस्फेयर में चला जाता है. किसकी वजह से? सनलाइट है. सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है तो वो गर्म होता है. गर्म होने की वजह से वो किसमें गर्म हुआ तो वाटर किस में चेंज हो गया? गैस में चेंज हो गया. वाटर वेपर्स में बन के चला गया ऊपर. ठीक है, तो उस वजह से आपके कपड़े में से सारा पानी निकल चुका है और आपका कपड़ा क्या हो गया? क्लोथ्स क्या हो गए आपके? ड्राई हो गए, सूख गए. ठीक है, इसी तरह हम वाटर साइकिल में चलते हैं. आपको पता है बेटा आपके अलग अलग तरह से यहाँ पे आपके सराउंडिंग में मिलते हैं. आपके माउंटेन्स भी होते हैं, आपकी रिवर्स भी होती है, लेक्स भी होते हैं, ओशियन होते हैं. ठीक है, इस तरह से आपकी वाटर साइकिल कैसे कंटिन्यू होती है? आप मान लीजिए कि आपके जो माउंटेन्स होते हैं वहां पे क्या हो रही है? आपकी बारिश हो रही है. ठीक है, जैसे गंगा नदी जहां से निकलती है, गंगा रिवर होती है ना आपकी, आप मान लीजिए गंगोत्री है, ये गंगोत्री पे क्या हो रही है? आपकी बारिश हो रही है. ठीक है, कोई भी और माउंटेन एक्स वाई जेड, वहां पे आपकी हो रही है रेन, रेनफॉलिंग हो रही है. ये पानी इकट्ठा होके यहाँ पे कोई एक आपका पॉन्ड है वहां पे हो गया इकट्ठा. ठीक है, आप बोल दीजिए जहां से रिवर स्टार्ट होती है वहां पे पानी इकट्ठा हो गया. ये पानी कहते हैं ना माउंटेन्स के थ्रू आपको क्या करता है? मूव करता है.
तो जो इन्फिल्ट्रेशन होते हैं वो पानी मतलब आपका ग्राउंड में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है. क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है. तो आपका जो ग्राउंड लेवल का जो वाटर होता है वो क्या होता है, उसका लेवल अप, उसका लेवल क्या होता है, अप होता है. अगर ये पॉन्ड में वाटर चला गया, सन है, सन क्या करते हैं इसको हीट देता है. क्या देता है इसको? हीट देता है. तो ये पानी गर्म होगा, गर्म होने के बाद ये किस में कन्वर्ट होगा? स्टीम में. किस में कन्वर्ट होगा? स्टीम में. छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, गैस में कन्वर्ट हो गया आपका, ये ड्रॉपलेट में नहीं बोलेंगे, गैस में कन्वर्ट हो गया. फिर उसके बाद यहाँ पे ओशियंस में भी यही हो रहा है कि हीट की वजह से पानी क्या हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया. ये प्रोसेस कौन सा था हमारा? इवोपरेशन. की हीट की वजह से ये जो आपका वाटर है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में कन्वर्ट हो रहा है. उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? इवोपरेशन. क्या बोलते हो आप? इवोपरेशन. बट आपको सेकंड प्रोसेस कंडेंसेशन भी पढ़ना है. क्या पढ़ना है आपको? कंडेंसेशन. बेटा जो आपके बादल बनते हैं, क्वेश्चन कितना अच्छा है कि जो क्लाउड्स फॉर्म्ड होते हैं आपके वो किस रीजन से फॉर्म होते हैं, तो वो आपको यहाँ पे आंसर देती है. उसके बाद वाटर साइकिल पे हम कंटिन्यू चलेंगे कि जो ये आपकी स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स है जो गैस बनके आपकी अपर एटमोस्फेयर में चली गई है, यहाँ तक आपकी ये गैसेस पहुंच गई है. तो बेटा उस टाइम पे आपका यहाँ पे ऊपर हाइट्स के ऊपर आपको पता है टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया. क्या हो गया? कम. तो ये ठंडी हो जाती है और ये गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है? छोटी ड्रॉप्स में. किस में कन्वर्ट हो गई? छोटी ड्रॉप्स में. और ड्रॉपलेट्स किस में कन्वर्ट हो गई? ड्रॉपलेट्स में. और वो ड्रॉपलेट्स जब हवा की वजह से एटमॉस्फेयर में मूव करती है तो उसको क्या बोलते हो आप? क्लाउड्स बोलते हो. क्या बोलते हो उसको आप? क्लाउड्स बोलते हो. कि जब ये स्मॉल टीनी ड्रॉपलेट्स होती है जो किससे बनी है, जो आपके यहाँ इवेपोरेशन प्रोसेस से जो गैस बनी थी उसके कूल होने की वजह से, ठंडा होने की वजह से वो ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गई. और वो ड्रॉपलेट जब इकट्ठी होके मूव करती है तो वो आपको कैसी दिखाई देती है? क्लाउड्स के शेप में दिखाई देती है. क्लाउड्स दिखाई देते हैं कि पानी की बूंदें आपकी एटमॉस्फेयर में मूव कर रही है. और जैसे ही ये पानी आपका क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है. ड्रॉपलेट से किसी भी माउंटेन से ये टकरा जाते हैं तो वो क्या होती है? आपकी बारिश बन के आपके पास दोबारा नीचे आ जाते हैं. पानी गया ऊपर और वो वापिस आपके पास आ गया इस प्रोसेस से. देखो यहाँ से आपके बादल हुए, बादल ने बारिश की, बारिश करने के बाद फिर वो ग्राउंड वाटर में आए, आपके रिवर्स में आए, ओशन में आए. उनका क्या हुआ? इवोपरेशन हुआ. वो फिर बादल बनाया उन्होंने कंडेंसेशन की हेल्प से. फिर वो बारिश हुई. इस तरह से आपका ये प्रोसेस क्या होता है? कंटिन्यू क्या रहता है आपका? चलता रहता है कि पहले बादल बनेंगे, बादल से बारिश आएगी, बारिश से ग्राउंड वाटर इंक्रीज होगा, फिर उसके बाद उसका इवोपरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, फिर बारिश आएगी. तो इस तरह से आपकी पूरी साइकिल क्या होती है? कंटिन्यू चलती है. इसी को क्या बोलते हैं आप? वाटर साइकिल. क्या बोलते हैं आप? वाटर साइकिल. अब एनवायरमेंट में क्या होता है, किसी भी रीजन से जब बारिश ही नहीं आएगी तो वाटर साइकिल कंटिन्यू कैसे होगी? है ना ये बात की जब बारिश ही नहीं आ रही तो वाटर साइकिल कंटिन्यू कैसे करोगे आप? तो जो आप एनवायरमेंट में आप अपनी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जो एक्टिविटी करते हैं, पोल्यूशन इतना इंक्रीज कर देते हैं किसी भी रीजन से, जो इस साइकिल को क्या करता है? डिस्टॉर्ट करता है. ठीक है, तो आपकी वाटर साइकिल क्या होती है? डिस्टर्ब होती है. अगर ये मेंटेन रहती है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, और आपको पता है जो रेन होती है वो क्या होती है? प्योरेस्ट फॉर्म होती है वाटर की. वाटर सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में कहाँ मिलता है आपको? रेन में मिलता है. ओके, ये तो हो गई बात यहाँ की. पानी आपको कहाँ कहाँ से मिलता है? आपको रेन से मिलता है आपको. ठीक है, सेकंड आपको ओशन से, सीड से मिलता है, रिवर पॉन्ड्स लेक्स यहाँ से मिलता है आपको, ग्राउंड वाटर आपको मिलता है. ठीक है, ये सारे ट्यूबवेल होती है, ये सारे आपके क्या है? वाटर के सोर्सेज है. ओके, फिर कल हम इस चैप्टर में हम इसके आगे बढ़ेंगे कि जो आपका वाटर होता है उसको सेव करने की नीड क्यों थी, कैसे आप उसको सेव करते हो, इस चीज के बारे में आप कल पढ़ेंगे. आज आप सिर्फ वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, इवोपरेशन, कंडेंसेशन आप इसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स.